दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो एंड तक के देख ली तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपका स्पीकर अब ज़्यादा नहीं जलेगा, यानी कि दोस्तों आप अपने स्पीकर की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपका स्पीकर पहले बहुत जल्दी जलता था लेकिन अब जलना थोड़ा बंद हो जाएगा। दोस्तों इस वाली वीडियो को मेरी एंड तक के देखते रहेगा दावे के साथ कहता है, तो बस दोस्तों आपका इतना फ़ायदा होगा, बस आपका ये रहेगा कि मैं आपका नुकसान नहीं करवाना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप नए नए स्पीकर ला के लाते हैं और वो जल जाते हैं महीना डेढ़ महीने में, तो फिर दोस्तों मेरी वाली वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, आपसे आपका स्पीकर नहीं जलेगा। और दोस्तों मैं इसका बात आप कह सकते हो, अगर आपने वीडियो लास्ट तक के देख लिया तो भाई आपका बस नुकसान नहीं होगा, बस इतना ही मेरा ये है कि आप वाली वीडियो देख लो तो आपका नुकसान अगले इस बार से नहीं होगा और स्पीकर आपका नहीं जलेगा। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे करना है, ओम्स बढ़ते घटते कैसे, हमारा स्पीकर का वोल्टेज कैसे मैच करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि अगर आपको क्यों कितने वाट के एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर आप डालें तब आपका एम्पलीफायर और स्पीकर को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ही देखते रहिएगा। दोस्तों जो भाई लोग मेरे जानते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है भाई, आप ये बहुत कॉमन सी बात है, तो वो वाली वीडियो को तब भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको कितने वाट के एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर डालना है जिससे कि आपका स्पीकर नहीं जलेगा और बहुत ही परफेक्टली बच जाएगा। तो ये वाली वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आपके सामने स्पीकर हैं दोस्तों, ये हमारे 50-50 वॉट के हार्मन के स्पीकर हैं। तो दोस्तों ये स्पीकर थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, तो दोस्तों मैंने अभी के लिए इसी से एग्जांपल देना सही समझा। दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये मेरा 8 ओम्स का स्पीकर है और दूसरा भी 8 ओम्स का स्पीकर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अभी मैंने इसमें पैरेलल कनेक्शन दे रखा है, तो पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों यहाँ पे सभी लोग हमारे पैरेलल कनेक्शन करते हैं, जो भी टॉप अपने बनवाते हैं उसमें पैरेलल कनेक्शन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पीकर का प्लस वाला टर्मिनल होता है वो दूसरे स्पीकर के प्लस वाले टर्मिनल पर जुड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेक हो चुका था वीडियो बनाते समय, दोस्तों मैंने अभी प्लस पर जोड़ा, आप देख सकते हैं अंदर से यहाँ पर वायरिंग करी, मैं इसको अभी बनवा लूँगा। दोस्तों ये वीडियो बनाते समय ब्रेक हो गया था तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर का हमारा प्लस वाला टर्मिनल दूसरे के प्लस पे जुड़ता है, और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरे स्पीकर का माइनस वाला टर्मिनल है वो हमारे दूसरे स्पीकर के माइनस वाले टर्मिनल पे जुड़ता है। दोस्तों इससे होता क्या है, अभी आपके दोनों स्पीकर 8 ओम्स के हैं, तो अब ये दोस्तों आपस में कनेक्ट होकर हमारे 4 ओम के बन गए हैं। तो यानी कि अगर आप एम्पलीफायर पर कनेक्ट करोगे तो आपको कॉमन और 4 पे देना पड़ेगा, तब आपका एक टॉप चलेगा बहुत ही आराम से, जिससे कि आपका स्पीकर नहीं जलेगा। दोस्तों मेरा सिर्फ यही मोटिव है आपको बताना कि ओम्स कैसे घटते बढ़ते हैं और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर होता है। अभी दोस्तों ये प्रैक्टिकली स्पीकर अलग अलग है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अभी आप लोग ने जाना है हमारा पैरेलल कनेक्शन, जिसमें कि हमारे स्पीकर 8 ओम्स के थे, तो दोनों जुड़ करके यहाँ पे 4 ओम के बन गए। और दोस्तों जो स्पीकर का वोल्टेज था वो भी सेम था, यानी कि 50-50 वाट के स्पीकर हमारे 100 वाट के बन गए। अब दोस्तों अभी मैंने किया हुआ है सीरीज कनेक्शन, तो चलिए जानते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। अभी दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि हमारे स्पीकर 8 ओम्स के हैं, तो दोस्तों अब ये बन चुके हैं इसका डबल, यानी कि अब ये 16 ओम के स्पीकर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्पीकर 8 ओम्स का है, दो 8 ओम्स के हैं, उसमें आपने सीरीज कनेक्शन किया तो वो बन जाएगा हमारा 16 ओम, अगर पैरेलल किया तो वो बन जाएगा हमारा 4 ओम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका स्पीकर 4 ओम का है तो वो हमारा बढ़ करके 8 बन जाएगा, अगर पैरेलल आप अगर आपने दोस्तों सीरीज किया तो आपका 8 बन जाएगा, अगर पैरेलल किया तो हमारा 2 बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों चलिए बताता हूँ इसे कैसे होता है। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा पैरेलल कनेक्शन, उसी का सेम उल्टा, यानी कि इसका जो प्लस वाला टर्मिनल होता है वो दूसरे वाले स्पीकर के माइनस वाले में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दूसरे स्पीकर का प्लस टर्मिनल दूसरे के माइनस पे गया। अभी दोस्तों मैंने सोल्डर नहीं किया सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस पे लगा है, और दोस्तों हमारा जो दूसरा स्पीकर का माइनस टर्मिनल है वो दूसरे वाले के प्लस में लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये हमारा प्लस टर्मिनल है, तो यहाँ पे वो कि माइनस आपको दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों हमारा ये प्लस टर्मिनल है। वीडियो के पहले दोस्तों सही था लेकिन नहीं, अभी ब्रेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये हमारा जो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारे ओम्स जो है डबल हो गए। अगर उसको आपके एम्पलीफायर में 16 ओम का ऑप्शन है तो आप 8 ओम के स्पीकर को सीरीज में कनेक्ट करके अपना 16 ओम बना सकते हो। और दोस्तों अभी ये प्रैक्टिकली देखने में तो अलग अलग स्पीकर हैं, लेकिन दोस्तों अंदर से इनका जो कॉइल है वो बिल्कुल सेम हो चुका है, यानी कि दोस्तों ये अब एक स्पीकर बन चुके हैं अंदर से, यानी कि अगर एक नहीं बजेगा तो दूसरा भी नहीं बजेगा। पैरेलल में क्या था, एक बजेगा तो दूसरा भी बजे, तो एक नहीं बजेगा तो दूसरा जरूर बजेगा, लेकिन दोस्तों इसमें अगर एक खराब हुआ तो दूसरा भी हमारा स्पीकर चला जाएगा। दोस्तों यही होता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। हमारे स्पीकर ये अभी भी 100 वाट के बन चुके हैं, लेकिन अभी ये एक स्पीकर 100 वाट का बना है, दोनों की कॉइल सेम हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में क्या है। दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कि आपको अपने स्पीकर कितने वाट की एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर देना चाहिए।
दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में क्यों बताया, दोस्तों मैंने सिंपली आपको बताने का यही मतलब था कि दोस्तों अगर आप लोग अपने एम्पलीफायर में अपने स्पीकर के हिसाब से ओम्स नहीं सेलेक्ट करते तो दोस्तों आपके जो स्पीकर का वॉइस कॉइल है वो आधा या फिर पूरा जल सकता है। तो दोस्तों आप ओम्स में चुनाव अच्छे से करना है, देखना है कि आपका स्पीकर कितने ओम का बन रहा है। दोस्तों सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मुझे आपको समझाने का बस यही मोटिव था कि दोस्तों अगर आप एक कस्टम मेड टॉप बनाते हो तो ज़रूर ध्यान रखें कि वो सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसी के हिसाब से आप अपने स्पीकर्स को जो है एम्पलीफायर में कनेक्ट करें। यानी कि अगर आपने 8 ओम्स का अपना स्पीकर बनाया तो आप लोग दोस्तों 8 ओम्स यहाँ पे एम्पलीफायर में दें कॉमन और 8 पे दें, और अगर 4 ओम का बनना है तो जो है कॉमन और 4 पे दे सकते हैं, या फिर अगर 16 ओम का बनना है सीरीज से तो आप यहाँ पे कॉमन और 16 पे दे सकते हैं। दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग हमेशा स्पीकर पे पैरेलल कनेक्शन करिएगा। यहाँ पे दोस्तों सीरीज में क्या होता है, हमारे दोनों स्पीकर एक बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आपको कितने वाट के एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर देना, जिससे कि आपका स्पीकर एक और तरीके से बच जाएगा और प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे दोस्तों मेरे पास स्ट्रेंजर का MCA 316 M यहाँ पे एम्पलीफायर है, जो कि दोस्तों हमारा 300 वाट का एम्पलीफायर है। दोस्तों मैं ये एम्पलीफायर आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे 250 वाट या फिर 300 वाट का भी एम्पलीफायर है तो दोस्तों आप लोग उसमें हमेशा अगर आप स्पीकर सेलेक्ट करते हैं तो अपने एम्पलीफायर का वोल्टेज हमेशा 10 या 7% ज़्यादा रखिएगा अपने स्पीकर से, या फिर आप स्पीकर को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, एम्पलीफायर को कम रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों एकदम कम और एकदम ज़्यादा एम्पलीफायर ना रखिएगा जिससे आपका स्पीकर जल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों अगर आपके पास ये MCA 316 यानी कि 300 वाट का कोई एम्पलीफायर है तो दोस्तों आप उसमें आराम से यहाँ पे 400 वाट तक का लोड दे सकते हो। उससे आगे अगर आप जाते हो तो आपके स्पीकर को यहाँ पे एम्पलीफायर और स्पीकर दोनों को खतरा रह सकता है, या फिर दोस्तों ये होगा ना कि आपके स्पीकर में आपको कम आवाज़ मिल पा रहा, आपका एम्पलीफायर तक केपेबल नहीं है आपके स्पीकर को आवाज़ देने के लिए। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका स्पीकर को जो है ज़्यादा वॉइस नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसका आधा वॉइस कॉइल जल जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 300 वाट का एम्पलीफायर तो 400 वाट तक है या फिर 350 वाट तक का उसी से रखें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप 300 वाट से कम रख सकते हैं, यानी कि 250 वाट तक का स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं 300 वाट एम्पलीफायर में, बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए आपके पास 300 वाट का एम्पलीफायर नहीं है, 250 वाट का एम्पलीफायर नहीं है, आपके पास है एक 500 वाट का एम्पलीफायर, एग्जांपल के तौर पे अहूजा का SSA 5000 EM। दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर है 500 वाट का एम्पलीफायर है, दोस्तों इसमें अगर आपके पास ये वाला एम्पलीफायर है तो दोस्तों इसमें आप यहाँ पे 600 वाट तक का लोड आराम से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 600 से ऊपर नहीं दोगे तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप 600 वाट तक का लोड देते हैं तो ना आपके एम्पलीफायर को कोई दिक्कत पड़ेगी ना कि आपके स्पीकर को। दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आपके स्पीकर को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो वो उसकी वॉइस कॉइल पूरी जल सकती है, लेकिन अगर दोस्तों उसको यही कम भी मिलता है, अगर आपका स्पीकर बड़ा है और एम्पलीफायर छोटा पड़ रहा है और उसको वोल्टेज कम मिल रहा है आपके स्पीकर को, तो आपके स्पीकर की आधी वॉइस कॉइल जल जाएगी जिससे कि आपकी बहुत ही ख़राब आवाज आएगी। दोस्तों यही रीज़न है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एम्पलीफायर 10% ज़्यादा रख सकते हो तो रख दो, या फिर स्पीकर को 10% ज़्यादा रखना है, एम्पलीफायर को उससे कम। दोस्तों दोनों एकदम मैच में ना चलाएं, या फिर उससे ज़्यादा या फिर कम में नहीं चलाना है आपको। दोस्तों ये हमारा एग्जांपल था कि आप 500-600 वाट दे सकते हो अगर आपके पास 500 वाट का एम्पलीफायर है। दोस्तों यही हमारे यही दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों आपको स्पीकर जलने से कैसे बचाना है। तो दोस्तों बस दोस्तों अगर आज की वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और दोस्तों मैंने जो आपको बातें इस वाली वीडियो में बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा, आपका स्पीकर जरूर से नहीं जलेगा। दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट बात है सीरीज पैरेलल ओम्स वोल्टेज और यहाँ पे एम्पलीफायर को कितना वोल्टेज देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड